मध्य प्रदेश के देवास जिले के कन्नौज से रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मासूम नाबालिका के साथ उसी के मौसा ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। कन्नौज पुलिस ने पीड़ित नाबालिका छात्रा के रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कन्नौज पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ननासा में नाबालिका 13 वर्षीय छात्रा 8वीं कक्षा में पढ़ती है, जिसको शीतकालीन अवकाश के चलते रिश्ते में मौसा नाबालिका छात्रा को बाइक से लेकर अपने गांव पीपलदा की ओर रवाना हुआ और रास्ते में आरोपी मौसा ने 3 स्थानों पर मोटरसाइकिल रोककर शराब पी तथा नाबालिका के साथ माथनी के जंगल में दुष्कर्म किया। बालिका के चिल्लाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह छात्रा को लेकर मोटरसाइकिल से पीपलदा की ओर रवाना हो गया। रास्ते में पीड़िता छात्रा ने एक स्थान पर अपने पैर से एक सैंडल को गिरा दिया और उसको उठाने के बहाने मोटरसाइकिल से उतरकर वहां से भाग गई। गांव में पहुंचकर वहां पर मौजूद लोगों को उसने अपने मौसा की करतूत बताई, जिसे सुनते ही ग्रामीणों ने मौसा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मोटरसाइकिल से जंगल की ओर भाग गया, जिस पर ग्रामवासियों ने चौकीदार को जानकारी दी। चौकीदार ने पुलिस एवं बालिका की छात्रावास अधीक्षक को अवगत करवाया। पुलिस ने नाबालिका की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मौसा राजू निवासी पिपलदा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जब इस संबंध में छात्रावास अधीक्षा अंजना राजावत से जानकारी ली गई तो बताया गया कि वह 3 दिन के अवकाश पर थी एवं सभी छात्राओं को पिता की सहमति से परिचित के साथ घर भेजा जाता है। उक्त छात्रा को उसका रिश्ते में मौसा पहले भी घर वालों की सहमति से बच्चे को छात्रावास से लेकर जा चुका था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा किया है। खातेगांव मध्य प्रदेश से संवाददाता अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। मैडम, आपका क्या शुभ नाम है और आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पर? मैं अंजना राजावत हूँ और यहाँ पे मैं वार्डन हूँ, हॉस्टल वार्डन। जी मैडम, कल क्या घटना घटी थी एक 8वीं की छात्रा के साथ, कुछ जानकारी लगी है? वो शीतकालीन अवकाश के लिए बच्चों को 21 तारीख से लेकर 29 तारीख के लिए हम लोग छोड़ने वाले थे जी। और उसी में हम लोग ने बच्चों को उनके पेरेंट्स को खबर किया था जी। तो जिस संबंधित बालिका है उसके पिता को संपर्क करने की कोशिश की और उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उसके जो मौसा जी हैं जो उसको ले गए, व्यवस्थित पूरी कागजी कार्रवाई के बाद हमने उनके साथ छोड़ दिया। उसके परिवार की लिखित सहमति थी कि हम उनके साथ उसको छोड़ सकते हैं जी। इसलिए उनको हमने पूरी कागजी कार्रवाई के करके और 6 बजे के पहले हमने उसको छोड़ दिया था जी। क्या वो मौसा जी कई बार ले जा चुका है यहाँ से? पहले भी दीपावली अवकाश के बाद भी उसके पिता लेने आए थे दिवाली पे छोड़ने, उसका मौसा जी आया था, वो जो व्यक्ति कल राजू था वही लेके आया था। इसके पहले भी 1 दिसंबर को भी करीब 1 घंटे उसकी माँ के साथ वो यहाँ हॉस्टल में रुका था। उसका पूरा व्यवस्थित हमारे पास रिकॉर्ड है, उसका हस्ताक्षर भी है यहाँ पर जी। और इसके पहले भी वो 2 से 4-6 बार जब भी उसके परिवार की सहमति से उसके परिवार वालों के साथ आता रहता था जी। ये घटना की जानकारी कब आपको लगी है बच्ची जाने के बाद? 6 बजे के पहले हमने उसको हॉस्टल से छोड़ दिया था जी। और इसके बाद मुझे करीब 8:45 बजे के समथिंग मुझे फ़ोन आया था कि आपकी किसी बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार दुर्घटना हो गई है जी। तो ये जहाँ पे मुझे वो स्थान बताया मैं वहाँ पर उपस्थित हो गई थी और वहाँ चौकीदार ने पहले TI साहब को खबर कर दी थी, हम लोग लगभग समय पर उपस्थित वहाँ हो गए थे जी। क्या क्या रहा घटना में, क्या बताया बच्ची ने आप लोगों को? उसने यही बताया कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। अब वो गलत काम के प्रकार में तो पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी जी। बाकी ये है कि बच्ची बहुत डरी हुई थी और हमारा तो यही है, सबका यही कहना है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए और बच्ची के साथ जो भी हुआ बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और हम बच्ची के साथ, और मैंने तो कल भी बच्ची को ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक उसका मेडिकल हुआ 4 बजे तक मैं उस बच्ची के साथ उपस्थित लोकल गार्जियन के रूप में उपस्थित थी जी। धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया, चलो भैया। सर, ये कल एक घटना हुई है ननासा छात्रावास की, एक नाबालिग बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या मामला है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? बालिका है, कक्षा 8वीं में पढ़ती है वहाँ पर जी। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में रहती भी है जी, करीब 3 साल से रह रही है वहाँ जी। इसने अपने मौसा जी को फ़ोन करके बुलवाया था लड़की ने जी। तो उसका मौसा जी यहाँ ग्राम पिपलदा का रहने वाला है जी, वो आया था उसको शाम को वहाँ पर 5 बजे उसको हॉस्टल से लेके आया था जी। हॉस्टल से लाने के बाद अपने घर तरफ ले जा रहा था, घर तरफ ले जाने के बाद
माथनी वाले जंगल में दो तीन जगह मोटरसाइकिल वगैरह इधर उधर घुमाता रहा जी। और तीन बार उसके साथ में कच्चे रास्तों पे दुष्कर्म किया है जी। उसकी रिपोर्ट पे आरोपी के खिलाफ 376 और पास का मुकदमा पंजीबद्ध किया है जी। आरोपी घटना के बाद से ही बाहर उसकी तलाश कर रहे हैं जी। ये लड़की कांटापुर क्षेत्र की रहने वाली है, मालवी समाज की है, मंदिर भी मालवी समाज का है। तो सर जैसे ये छात्रावास अधीक्षिका और वार्डन ने मतलब बगैर पेरेंट्स के सहमति के कैसे छोड़ दिया, इसके में क्या है? उनका कहना है कि इनके पिताजी ने उनको बोल रखा था कि हमारे साधु भाई है ये आए थे इनके साथ छोड़ देना। लड़की ने भी अपने बयान में बताया है कि परसों के दिन उसे अपने पिताजी को भी फ़ोन करा था तो फोन नहीं लगा था, और उसके पिताजी असमर्थ भी है आने में, लखवा लखे की बीमारी है उसको। उसने फिर अपने मौसा जी को फ़ोन करा था तो मौसा जी कल लेने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से लेने के आने के बाद उसने इस तरीके से दुष्कर्म किया है। इसमें सर छात्रावास वार्डन या अधीक्षिका की भूमिका है कोई, मतलब ऐसा कहीं जांच में आया क्या आपके? छात्रावास अधीक्षिका तो छुट्टी पे थी कल तक, वहाँ पर ये लड़की ने स्वयं ने अपना एक आवेदन पत्र लिख के दिया है कि मैं इनके साथ जा रही हूँ, जिसमें उसके दस्तक भी है, उसके आधार पर छोड़ा था। और उनका कहना है कि 21 तारीख से 29 तारीख तक ये शीतकालीन अवकाश रहेगा स्कूलों का, इस कारण सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।